इस वीडियो में हम माइक्रो कैप मार्केट कैप रेंज के कुछ ऐसे शेयर्स देखेंगे जो हमें आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है और इसके शेयर प्राइस के कीमत भी कम है, जैसे 12 रुपये है, इस तरह के हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है तिरुपति फोर्ज। तिरुपति फोर्ज की आप देखेंगे मार्केट कैप 119 करोड़ है, और 119 करोड़ तब है जब ये इसका मार्केट कैप 12 है, सॉरी इसका शेयर प्राइस 12, और ये 12 से नीचे भी चला गया था, और यदि 8-9 के आसपास जाएगा तो ये 100 करोड़ से भी नीचे चला जाएगा। तो यदि आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये मल्टी बैगर से भी कई गुने रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, और इसमें इसका पोटेंशियल है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं इसका ROC देखेंगे तो ये 32 के आसपास है, और ROE देखेंगे तो 29 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है, इसको हम बहुत अच्छा मान सकते हैं। और इसका आप जब प्राइस का वेरिएशन देखेंगे तो ये एक समय में 7 रुपये जुलाई में ट्रेड कर रही थी, और ये 1 सितंबर को 8 के आसपास था, और इसके आसपास आता है तो आपको इसका मार्केट कैप 100 से नीचे मिल सकता है, लेकिन इसकी चांसेस ज़्यादा है। 10 के आसपास आए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, या अभी जो वर्तमान है यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनी है कि इसमें यदि अपर सर्किट लगता है तो फिर आपको एंट्री मिलने का चांस ही नहीं मिलता है, एंट्री मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब ये गिर रहे हो तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे होते रहता है, क्योंकि कोई भी इसको ऊपर नीचे कर सकता है, और जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके बाद ये आपको अच्छे रिटर्न देगी और इसका वेरिएशन घटेगा। अब इसका सेल्स देखेंगे तो 2020 के सितंबर में इन्होंने 6.5 करोड़ का सेल्स किया था, और उसके बाद अभी के वर्तमान में लगभग 23.5 करोड़ की सेल्स किया था, तो इसका सेल्स इंक्रीज भी हुआ है। और जब इसके OPM देखेंगे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है इसका, 12, 17, 15, 11 ऐसे करके 10 से ऊपर ही है, और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अभी इस समय, ये 1.5 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है। और इसका जब सेल्स देखेंगे तो 2013 में जो 0.0 करोड़ की सेल्स करने वाली थी, 2014 में लगभग 6.5 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च 23 में 92 करोड़ की सेल कर रही है, और 92 करोड़ की सेल कर रही है उसके साथ लगभग 16% की OPM के साथ ये सेल कर रही है। और इसके प्रॉफिट देखेंगे तो ये लगभग 9.5 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है, तो इतनी छोटी कंपनी और इसके 9.5 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। और इसके सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ है 35-49, और इस साल में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, पर रिकवर कर लेगा ऐसा उम्मीद है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 43-220-48, और इसके रिजर्व देखेंगे तो 19 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग 11-12 करोड़ की है, तो 19 करोड़ में से 12 करोड़ पे करना पड़ेगा, तो ये डेब्ट फ्री इसको हम कह सकते हैं, इसके पास कर्ज नहीं है इस कंपनी के पास। और सबसे बड़ी मेन बात जो मैं आपको बताता हूँ कि आप कंपनी के रिजल्ट पे तो बाद में जाए, पहले प्रोडक्ट देखें, तो इस कंपनी का आप जो प्रोडक्ट देखेंगे तो इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है, और ये प्रोडक्ट सभी गाड़ियों में लगती है, किसी कंपनी के गाड़ी बिके उसमें ये प्रोडक्ट लगते हैं, और ये एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्री में, तो इससे अच्छे मुनाफा ये कमाती है। ये बेयरिंग है, गियर सब है, गियर है, और इस तरह के प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट ये देख सकते हैं, ये फ्रेंच फ्लैंक्स कहते हैं इसको, ये इस टाइप के प्रोडक्ट हैं इसके फ्लैंक्स। उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट जो है फॉग पाइप, ये फॉग पाइप फिटिंग का है। उसके बाद है ऑटो पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स में ये है, ये डीजल गाड़ी पेट्रोल गाड़ियों में लगते हैं। उसके बाद गियर्स देखेंगे तो ये कंपनी गियर्स भी बनाती है जिसमें ये स्पेशलाइज है। उसके बाद सीमलेस रोल रिंग देखेंगे तो ये रिंग भी बनाती है। और उसके बाद हैमर यूनियन देखेंगे तो ये हैमर यूनियन ये प्रोडक्ट होते हैं, ये सब प्रोडक्ट बनाती है। तो आप प्रोडक्ट पे जाएं और ये कंपनी को स्टडी करें, यदि आपको अच्छा लगा तो फर्दर आप आगे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी हमारी कंपनी है कृतिका वायर्स, जिसका मार्केट कैप 241 करोड़ हो गया, जो कि अभी 200 से नीचे इसका चल रहा था। और इसके जब ROC देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे है, 11.8-12 के आसपास है, और ROC देखेंगे तो 8 है इसके, अभी थोड़ा सा जो करंट प्राइस है ये ऊपर चला गया है, और थोड़ा सा इसका कमजोरी है
लेकिन इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं और इसका मैनेजमेंट ऐसे हैं जो हमें इसमें स्टडी करने पे फोर्स करती है, क्योंकि इसके फंडामेंटली बाकी और चीज़ में अच्छे हैं। और ये लगातार यहाँ से भागी, ये 20 रुपया से लगातार ऊपर भागी है, और एक समय देख सकते हैं ये 15 15 से ही लगातार भाग रही है, और मैंने यहाँ पे ही एंट्री लिया था 15 के आसपास। उसके बाद ये लगातार हमें रिटर्न दे रही, भागी जा रही है। तो यदि आपका आसपास 20 पे भी मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो, या अभी भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब अपर सर्किट लगता है तो फिर एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, चांस ही नहीं मिलता। और इस कंपनी का आप सेल्स देखेंगे तो 2021 के मार्च में 43 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी जून सितंबर 2023 में 104 करोड़ की सेल कर रही है। और इसका एनुअली देखेंगे सेल तो 2011 में 35 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च में 282 करोड़ की सेल कर रही है। बाकी इसके आप जब सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, 2 से 18 गया फिर 38 आ गया, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 62 और थोड़ा सा इस 30 हुआ है, बढ़ेगा। बाकी प्राइस का CAGR भी बढ़ रहा है, 31 54 73। तो और कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 60 करोड़ की है, और बोरोइंग देखेंगे तो 46 करोड़ की कर्ज है, 46 करोड़ देने होंगे स्टार्टिंग। क्योंकि इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप प्रोडक्ट देखें, तो कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे तो ये देखेंगे माइल्ड स्टील वायर, GI स्टील वायर, गैल्वेनाइज स्टीयरिंग एंड अर्थिंग वायर, ACS कोर वायर, अम्ब्रेला वायर, वायर स्प्रिंग वायर, बिलिंग वायर, रेलवे स्लीपर्स, PC वायर। तो कुछ प्रोडक्ट ये रेलवे के लिए भी बनाती है, और इससे यदि अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो इसके रॉकेट लग जाने के चांसेस हैं इसके शेयर में। और जब इसके क्लाइंट देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड है, उसके बाद लुमिनो इंडस्ट्री है, पावर ग्रिड है, स्टरलाइट टेक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, वोल्टाज है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बजाज है, BT ग्रुप है, गोदरेज है, कैबकॉन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इसके क्लाइंट है। तो ये आने वाले समय में अच्छे मुनाफा कमा सकती है और कमा रही है अभी भी। दूसरी हमारी केमिकल की कंपनी है सीगाची इंडस्ट्री। सीगाची इंडस्ट्रीज के बारे में आप देखेंगे, इसका मार्केट कैप 1600 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन ये प्राइस इसका लगातार यहाँ से भागा है, ये 40 से ऊपर भाग गया लगातार। तो इसलिए आपको ये 1600 केमिकल में प्रेशर है, इसलिए इसका नीचे देखने को मिल रहा है। और इसका ROC देखेंगे तो 19.6 20 के आसपास, और ROE देखेंगे तो 17.5। केमिकल की कोई कंपनी अभी थोड़ा प्रेशर में, इसलिए थोड़ा सा कम लोन मिलेगा, लेकिन ये कंपनी अच्छी है। और इसके आप प्राइस रेंज देखेंगे किस तरीके से ये चली है, तो आप 3 साल में आप देखेंगे ऊपर से, एक समय में ये लगभग 57 57 के पास थी 3 साल में, और 5 साल का आप देखेंगे तो इससे पता लग रहा है कि ये कंपनी कितनी नीचे गिर गई थी, कितने नीचे गिर के 22 पे आ गई थी, 21 मार्च को 22 23 पे। उसके बाद जो बाउंस बैक की है तो ये लगभग 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। और इस कंपनी का आप सेल्स देखेंगे तो मार्च की 2018 में 101 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च 2023 में 302 करोड़ की सेल कर रही है। और इसके OPM भी देखेंगे तो 19 है, 21 है, 20 है, 18, लगभग 20% के आसपास ये रखा हुआ, तो इसका अच्छा है। और बाकी इसके पास रिजर्व देखेंगे तो 350 करोड़ की रिजर्व है, और बोराइंग 72 करोड़ ही है, मतलब 50% कैश इनके पास ज़्यादा ही है। और इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अक्टूबर 2023 का आप देख रहे हैं 46% के आसपास है प्रोमोटर्स के बाद, और फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने बढ़ा लिया, 2.5% के आसपास कर लिया, और डोमेस्टिक वाले निकल गए हैं, और बाकी जो भी है वो जनता के पास है। तो फॉरेन इन्वेस्टर वालों ने इनके साथ डील किया, इन्होंने अपना घटाया है 48.5 से 46 पे, तो ये जो भी बाकी था ये चला गया फॉरेन इन्वेस्टर वालों के पास। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो इससे आपको पता लगेगा कि ये कंपनी किस तरीके से आगे रिटर्न दे सकती है। और ये आप देखेंगे तो इसके कैटेगरी देखेंगे तो देखें ये मेडिसिन के लिए बनाती है, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट, केमिकल बनाती है, और इसके ये फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल में फूड न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, केमिकल,
इन सब चीज़ों के लिए बनाती है। आप देख सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट आप खाने को मिले ना मिले, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और अच्छे तरीके से। उसके बाद ये है हमारी फार्मास्यूटिकल की कंपनियां, ये प्रोडक्ट ये पूरे जितने ये आइसक्रीम वश्रूम के लिए जो लगने वाले जो केमिकल होते हैं वो सब केमिकल बनाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा ये तीन कंपनियां जो हमें अच्छी लगी और हमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। बाकी आपको अच्छा लगेगा तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप स्टडी करें, टाइम दें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी सही में रियली में यूजफुल है और ये रिटर्न दे सकती है तो बाकी का आप एक्शन ले सकते हैं। जय हिंद।